निर्देशानुसार वर्णमाला को पूरा कीजिए। अब हमें ये वर्णमाला पूरी करनी है, ठीक है। अब हमें ये स्वर दिए हैं तो हमें ये स्वर लिखने हैं आ से, ठीक है। आ लिखा हुआ है, बड़ा छोटी बड़ी उ ऊ री ए आई ओ औ, ठीक है। उसके बाद हमें अयोगवाह लिखने हैं तो अंग दिया हुआ है, ये अ पे चंद्रबिंदु अनुस्वार जिसको बोलते हैं, और ये अह विसर्ग वाला। व्यंजन क व्यंजन दिया हुआ है हमको तो क वाली लाइन लिखेंगे, ख ग घ ण, ठीक है। अब ये अतिरिक्त वर्ण हमारा ण दिया हुआ है तो उसके बाद कौन सा आता है, ढ, ये लिख देंगे। फिर है संयुक्त व्यंजन, छ दिया हुआ है, छ क्षत्रिय वाला। अब हम लिखेंगे त्र ज्ञ और ये श्र, ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब उसके बाद है आगत वर्ण, आगत वर्ण में आपको बताया था और इस पे केवल चंद्र होता है बस, और ये ज इसे बिंदी ज, इसके जब हम इसको बोलते हैं तो ज होता है, जैसे जमीन जमीन फ, ठीक है, ये इस तरीके से। अब है ये रचनात्मक गतिविधियाँ। अब इसमें हमें क्या करना है, चित्रों को देखिए व रिक्त स्थान में उचित वर्ण लिखकर चित्र का नाम पूरा कीजिए, ठीक है। ये हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है, कमल, और ये हमें क्या दिखाई दे रही है, कलम। का यहाँ पर लिखा हुआ है, ला लिखा हुआ है। अब हम इसको पूरा करेंगे, कमल कलम, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए मटर, ये मटर दिखाई दे रही है तो मटर, ये क्या है, रथ, तो रथ, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए ये क्या है, कलश कलश, और ये क्या है, शलगम, ठीक है। कुछ लोग उसको शलजम भी बोलते हैं, शलगम भी बोलते हैं, शलजम भी बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए नल, ठीक है, और ये क्या है, जल। ये आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, बुक का वर्क भी हो गया, इसे आप एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे, उसके बाद हम अपना नोटबुक बुक में वर्क करेंगे, ठीक है। अभी आपको बुक कंप्लीट करनी है और रीडिंग करनी है सारे बच्चों को, पहले चैप्टर रीड किया करो उसके बाद वर्क करना स्टार्ट किया करो, इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करा करो, ठीक है, ओके बाय।